हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टू डायमेंशनल एरे इन जावा को स्टडी करेंगे। मैं खुर्शीद मोहम्मद अनवर, कंप्यूटर साइंस सी सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन ऑनलाइन ट्रेनर। आइए हम लोग सीखते हैं 2D एरे इन जावा। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज 2D एरे। सो ए 2D एरे इज ए टू डायमेंशनल एरे वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 2D एरे का मैंने एक ग्राफिक्स ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें रोज है एंड कॉलम्स है। तो एक्चुअली 2D एरे में जो एरे का अरेंजमेंट होता है वो रोज एंड कॉलम में होता है। यानी यहाँ पर ये एक रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ, ये चौथा रो हुआ, एंड ईच रो में चार कॉलम्स है। यानी हम कह सकते हैं कि डबल डायमेंशन एरे में अगर ये 4x4 है तो चार एरे है, तो एरेज विद इन एरे। तो यहाँ पर चार एरेज है और चार सिंगल डायमेंशन एरे हम बोल सकते हैं, एंड ईच एरे कंटेन फोर एलिमेंट्स। सो दोनों को मिला देने से ये टू डायमेंशनल एरे बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ 2D एरे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग एक देखिए, एक मैट्रिक्स दिख रहा है। इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं तीन तीन एलिमेंट्स, यानी तीन रोज एलिमेंट्स है। यहाँ पर ये वन रो हुआ, ये दो रो हुआ, एंड ये तीसरा रो हुआ, एंड देन ये एक कॉलम्स है यहाँ पर। तो तीन कॉलम तीन रोज हुए, तो मतलब यहाँ पर 0,0, 0,1 एंड 0,2। तो ये जीरो रो, जीरो कॉलम, जीरो रो, वन कॉलम, जीरो रो, टू कॉलम्स। यहाँ पर आ जाएगा वन रो जीरो कॉलम, वन रो वन कॉलम, वन रो टू कॉलम, देन टू रो जीरो कॉलम, देन टू रो वन कॉलम, देन टू रो टू कॉलम्स। सो अगर हम लोग मेमोरी में अगर डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में ये कैसे अरेंज होगा, इसको एक बार हम लोग मेमोरी में भी देख लेते हैं ये कैसे अरेंजमेंट होगा। तो हमारा टोटल जो है 9 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो आप लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेमोरी में हम लोग अरेंजमेंट होगा वो इस ढंग से होगा, लेकिन ये हमारा इससे रहेगा, ये 0,01 है एंड 0,2 है, ये 1,0 है, 1,1 है एंड 1,2, देन 2,0 है, 2,1 है एंड ये 2,2। तो इस ढंग से ये मेमोरी में अरेंजमेंट होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको 2D एरे को जावा में कैसे डिफाइन करते हैं और हाउ टू डिक्लेयर टू डायमेंशन एरे इन जावा। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइजेशन टू डायमेंशनल एरे भी देखेंगे इसके अंदर। सो सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं कि हम लोग जावा में इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे। सो अगर उसी प्रीवियस एरे को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस एरे में हमारा क्या वैल्यू था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक मैट्रिक्स था मेरा। अब इसको अगर हमको एरे में, जावा एरे में अगर इनिशियलाइज करना हो तो हम इसको इस ढंग से करते हैं, int n, यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और डबल डायमेंशनर के लिए, देन यहाँ पर हम एक ये टोटल जो रो है इस रो को एक कर्ली ब्रेस के अंदर में रखेंगे, कर्ली ब्रेस विद इन कर्ली ब्रेस, दैट इज 1, 2, 3। ये कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया, दैट मीन्स ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो जो हुआ 4,5,6, ये सेकेंड रो हो गया, एंड थर्ड रो जो है वो 7, 8 एंड 9। तो ये इस ढंग से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर ये एरे को जो यहाँ पर जो वैल्यू हमने दिया हुआ है ये इंटीजर लिटरल है, सो हम लोग इस स्ट्रिंग मैं कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग मैं हमको नेम अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पर नेम मान लिया कि हमको 2x2 डिफाइन करना है, यानी दो जो है रो होगा एंड दो कॉलम होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कर्ली ब्रेस के अंदर में मैं दो नाम
डालूंगा से अमर अकबर, ये डबल कोटेशन के अंदर भी एक कर्ली ब्रेसमेंट हो गया, ये एक रो हो गया। एंड देन यहाँ पर एक और वैल्यू डालते हैं से विराट, एंड यहाँ पर एक और वैल्यू डाल लेते हैं से विकास। तो ये तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक रो हो गया और ये एक रो हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया 0.0, 0.0, 0.1, 1.0 एंड 1.1। मान लियो कि इस एरे को अगर हम वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, अगर इस वैल्यू को इसको हमको एक्सेस करना है, इस 5 को एक्सेस करना है, तो ये 5 कहाँ पर है? ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, डेट मीन्स 1। एंड यहाँ पर जो है ये 1.0 है और ये 1.1 है एंड ये 1.2 है। तो यहाँ पर हमको 1.1 है से अगर हमको एक वैल्यू इसको हमको लेना है एक्स इक्वल टू, इसको हमको एक्स में इस वैल्यू को डालना है, तो हम क्या करेंगे एन ऑफ 1.1, 1.1। तो इस 1.1 में कौन सा वैल्यू होल्ड कर रहा है? 5। तो अभी एक्स में मेरा क्या वैल्यू होल्ड करेगा? 5। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर में। सो हम लोग जो है अब देखेंगे कि जावा में जो है कैसे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं 2D एरे का। सो लेट्स बिगिन विद दैट, एरे को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास लिखेंगे, क्लास एरे 2D। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का एज जो है कैपिटल होगा बिकॉज इट इज ए क्लास। तो क्लास का जो एक कन्वेंशन है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हमने भी यहाँ पर कैपिटल से स्टार्ट किया है। एंड देन यहाँ पर हमको एक इनिशियलाइज करना है एन, तो यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट हमको देना है। एंड देन यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस के अंदर में तो यहाँ पर एक वैल्यू हमको डिफाइन करना है 1, 2, 3 एंड देन 4, 5, 6 देन 7, 8, 9। ना यहाँ पर हमने एक एरे को इनिशियलाइज कर लिया विथ इंटीजर लिटरल। एंड देन यहाँ पर आई एंड जे एक लूप के लिए हम डिफाइन करेंगे द वेरिएबल्स। एंड देन एरे को प्रिंट करने से पहले एक मैसेज दे देते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। यहाँ पर प्रिंट टैलेंट होगा ना, यहाँ पर हमको एक कर देते हैं डिस्प्ले 2D एरे एलिमेंट्स। यहाँ पर डबल कोटेशन क्लियर क्लोज एंड देन फोर फर्स्ट लूप चलाएंगे, आई से शुरू करेंगे आई इक्वल टू 0 एंड देन आई लेस देन 3 देन आई प्लस प्लस देन अगेन यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे 4 जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ प्रिंट एलेंट नहीं देंगे इसीलिए कि हमको इस ढंग से प्रिंट करना 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी यहाँ पर 1 प्रिंट करना है देन बीच में स्पेस होगा देन 2 देन बीच में स्पेस होगा देन 3। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट एलेंट देते हैं तो इस ढंग से प्रिंट करेगा 1, 2, 3। तो हमको इस ढंग से नहीं चाहिए, हमको इस ढंग से रो वाइज चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रिंट एलेंट के बजाय प्रिंट देंगे एंड देन एन ऑफ आई एन जे देंगे बिकॉज यहाँ का हमको 0, 0, 0 होगा, आई एन जे 0 में आई 0, जे 0 होगा। तो यहाँ पहला वैल्यू क्या होगा? 0। ये जो पोजीशन है 0.0, 0.1 एंड 0.2, तो यहाँ पर 0.0, 0.1, 0.2। 0.1 में कौन सा वैल्यू है? 1 है। एंड देन 0.1
वन में जो है वो टू है एंड 0,2 में जो है वो थ्री है। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 1,0, 1,1, 1,2 और ये हो जाएगा 2,0, 2,1 एंड देन 2,2। तो इस ढंग से हम लोगों को ये सारा जो है वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एंड आफ्टर ये फर्स्ट रो प्रिंट होने के बाद, यहाँ पर एक स्पेस देना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंट एलन देना है। क्यों देना है यहाँ पर प्रिंट एलन? प्रिंट एलन क्यों देना है? यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो है सेकेंड लाइन में आ जाएगा, सेकेंड लाइन से फिर को हमको ये 4, 5, 6 प्रिंट करना है, फिर यहाँ से प्रिंट एलन आएगा, देन 7, 8, 9 प्रिंट करना है। तो ये एक कर्ली ब्रेस जो है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का बंद हुआ एंड देन यहाँ पर जो है क्लास एरे का बंद हुआ। अब हम लोग जो है इसी चीज को जो है ब्लूजे के अंदर, ब्लूजे आईडी के अंदर देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे हम लोग करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। यहाँ हमने एक प्रोग्राम बना रखा हुआ है एरे टू डी बोल के। सो अभी हम लोगों ने जो वहाँ सीखा एन, यहाँ पर हमने डिफाइन किया है स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट देन सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट देन यहाँ पर हमने एक कर्ली ब्रेस, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया एंड यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेस देखा जा रहा है ये एक कॉलम क्लियर हो रहा है। तो ये 1,2,3 है, देन 4,5,6, देन 7,8,9। तो इस ढंग से एंड देन यहाँ पर i,j ये जो है ये लूप के लिए हमने ये दो वेरिएबल लिया एंड आफ्टर देन यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं डिस्प्ले टू डे एरे एलिमेंट्स। यहाँ से हम लोगों ने लूप को स्टार्ट करना है बिकॉज इस यहाँ पर 0,0,0,1,0,2 है तो ये यहाँ पर डबल एरे चलेगा, डबल लूप चलेगा यानी नेस्टेड लूप चलेगा। तो यहाँ पर जो है लूप का स्टार्ट जो है आई जीरो से स्टार्ट करेंगे हम एंड देन वो लेस देन 3 का तक जाएगा आई प्लस प्लस, देन सेकेंड जो लूप है यहाँ पर जे जीरो जे कॉम जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन एन ऑफ आई एंड जे, देन यहाँ पर एक प्लस का निशान है देन यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया हुआ है फॉर दैट। इस ढंग का जो है हम लोगों ने ये जो वैल्यू यहाँ पर देखा, ये वैल्यू हम लोग इस ढंग से प्रिंट करने के लिए ये हमने यहाँ पर दिया। ओके सो इस लूप के बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन देना है जो कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर ये कर्ली ब्रेस ये फॉर लूप का बंद हुआ एंड देन ये कर्ली ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए एंड देन यहाँ पर पब्लिक क्लास एरे टू डी के लिए हमने बंद किया। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पर रन करें से डिस्प्ले टू डी एरे, तो यहाँ पर इस ढंग से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया। तो ये तो रहा कि हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दिया पहले से ही। नाउ अगर हम एरे में अगर हम वैल्यू डालना चाहते हैं, डेट इज़ इनपुट कराना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमको जब इनपुट कराएंगे तो हमको एक स्कैनर क्लास लेना है। स्कैनर क्लास के लिए यहाँ पर हमको इम्पोर्ट करवाने होगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके एंड देन यहाँ पर हमको क्रिएट कैसे करना है, आई एन टी एन स्क्वायर ब्रैकेट देन यहाँ पर हम न्यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एरे जावा में जो एरे होता है वो क्या होता है, क्लास होता है। तो इसीलिए यहाँ एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है डबल डायमेंशन का एंड देन न्यू क्रिएट न्यू देना है एंड देन किस तरह का करना है यहाँ पर हमको डेटा टाइप बता देना है और उसमें कितना कितना जाएगा, 3 of 3 यानी 3 रो 3 कॉलम्स। तो यहाँ हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि इसको जो है डालना है इस ढंग से एंड आफ्टर देन यहाँ हमको एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेगा फॉर इनपुट के लिए एंड देन यहाँ पर स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू देन स्कैनर हमने दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट इन। अब जो है हमको यहाँ पर इनपुट करवाना है तो इनपुट कराने के लिए जो है हमको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देना है। नो मैसेज में हमको क्या करना है, इंटर एलिमेंट्स करवाना है यहाँ पर, इंटर एलिमेंट्स इन एन एरे, इंटर
एलिमेंट्स एंटायर एलिमेंट्स इन 2D एरे। ओके ना, तो यहाँ पर जैसे हमने प्रिंट किया हुआ है तो इसी ढंग से यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, फिर से डबल लूप चलेगा, नेस्टेड लूप चलेगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, 4, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड देन जे प्लस प्लस। यहां पर हमको क्या करना है कि इनपुट करवाना है ना, इनपुट कराने के लिए हमको क्या करना है, आई एंड जे में डालना है, तो यहाँ पर आई एंड जे, दैट इज आई एंड जे में नहीं डालना है, मतलब आई जीरो जे जीरो का पोजीशन में डालना है, तो यहाँ पर हमको डालना है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि मेरा जो एरे लिया हुआ वो इंटीजर है इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट इंट है, यानी ब्रैकेट बंद हो गया। लेट्स अब इसको जो है हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या होता है, पहले कंपाइल करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने डिफाइन किया है पर आई एन टी एन स्क्वायर ब्रैकेट 2 देन न्यू देन आई एन टी 3। डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों जो इनिशलाइज किया था यहाँ पर हम लोग वैल्यू दे दिए थे, तो यहाँ पर न्यू देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अगर हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे उसमें बिना कोई वैल्यू का, देन यू हैव टू गिव दी न्यू कमांड फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एरे। नाउ कंपाइल इट, आफ्टर कंपाइलेशन सी नो एरर, देन हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर वैल्यू मांगेगा, दैट इज 3 by 3, यानी 3 रो 3 कॉलम, दैट इज टोटल हमको 9 वैल्यू डालना है। सो कोई भी हम रैंडम 9 वैल्यू डाल देते हैं, तो हम लोगों ने रैंडम वैल्यू डाला, तो यहाँ पर ये हो गया पहला रो के लिए, सो यहाँ पहला रो ये प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से 44, 55, 66 सेकेंड रो के लिए हो गया, यहाँ सेकेंड रोज हो गया, एंड देन 77, 88, 99 ये सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए हो गया। सो इस ढंग से हम लोग जो है 2D एरे जावा में 2D एरे करते हैं। ओके सी, अगर आपको फिर भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा 2D एरे में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी 2D एरे या 1D एरे के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।